हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से आप सभी का मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पब्लिश किए हैं। आप सभी के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ, जो मेनली मेरे पोस्ट डिलीवर मम्मीज़ है, जिनका सिजेरियन हुआ है, जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, उनके लिए बहुत ही खास वीडियो रहेगा कि डिलीवरी के बाद आप आपका बॉडी पूरा बैक टू नॉर्मल कैसे लेके आएंगे। ऑन एन एवरेज नॉर्मल डिलीवरी रहो या सिजेरियन रहो, अपना थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक ऑन एन एवरेज 10 से 15 किलो वेट गेन होता है, और डिलीवरी होने के बाद बच्चा एकदम से सप्लीमेंट के जैसे अपने को चिपक जाता है, तो अपने को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अच्छे से डाइट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और हम लोग सोच भी नहीं पाते, लेकिन स्टिल हम लोग को बैक टू नॉर्मल आना रहता है, अपना कॉन्फिडेंस गेन करना रहता है, अपने ड्रेसेस वगैरह पूरे अपना फिटिंग चेंज हो जाता है। तो उसके लिए मैं कुछ आज खास टिप्स आपको बताने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो एंड तक देखना है। जब भी आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी के इमीडिएट बाद 4.5 से 5 किलो वेट तो अपने आप कम हो जाता है। वो कैसे कि 2.5-3 किलो का बच्चे का वेट माइनस हो गया, दूसरा प्लेसेंटा है, लाइकर है, और उसके साथ में थोड़ा जो मटेरियल है उसका 1.5 किलो वेट कम हो जाता है। अभी इसके बाद में अपने को एक ऑन एन एवरेज 10 किलो वेट कम करना रहता है, तो उसके लिए अपने को कौन से टिप्स फॉलो करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना है। बेसिकली वर्किंग लेडीज़ को लगता है कि अभी तो मुझे जॉब शुरू करना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग की जगह मैं बॉटल फीड दूंगी, फॉर्मूला फीड दूंगी, या ऊपर का गाय का दूध दूंगी, और मैं तुरंत एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, मेरा वेट कम हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छे से ब्रेस्ट फीड किया, आइडियली हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने के लिए बोलते, तो आपका वेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक बैक टू नॉर्मल होती है। वो कैसे? बेसिकली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो एक ऑक्सीटोसिन करके हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन की वजह से आपका यूट्रस पूरा बैक टू नॉर्मल आता है, जिसको हम लोग इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस बोलते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल नेचुरल फिजियोलॉजिकल फेनोमेनॉन रहता है। तो आपको रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करना है एटलीस्ट 6 महीने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको प्यूरपेरियम तक वेट करना है, प्यूरपेरियम फिनिश होने तक। प्यूरपेरियम यानी क्या कि 9 महीना आपके बॉडी में प्रेगनेंसी में चेंजेस आए हैं, तो उसको बैक टू नॉर्मल होने के लिए अपने को टाइम देना पड़ता है। एकदम से 8-10 दिन में तो आप पूरे बैक टू नॉर्मल नहीं होने वाले। तो ऑन एन एवरेज ये जो प्यूरपेरियम का पीरियड है, इसको हम लोग 1.5 महीने का टाइम बोलते हैं, 6 वीक्स का टाइम बोलते हैं। तो वो टाइम में क्या होता है कि आपके बॉडी में जो भी वाटर रिटेंशन हुआ है वो अपने आप कम हो जाता है। आपके बॉडी पे, पैरों पे काफ़ी स्वेलिंग रहता है, तो ये 1.5 महीने में वो स्वेलिंग अपने आप कम होने लगता है। आपको ब्लीडिंग होता है, तो वो ब्लीडिंग की वजह से भी आपका यूट्रस बैक टू नॉर्मल होने लगता है, आपका पेट अंदर जाने लगता है। तो आपको प्यूरपेरियम खत्म होने तक थोड़ा वेट करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने एक लाइव वीडियो भी डाला है और 1-2 वीडियो भी पब्लिश किए हैं कि आपको कंपलसरी एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ करना है। एब्डोमिनल बेल्ट इज़ व्हाट? इट इज़ एब्डोमिनल बाइंडर। आपका नॉर्मल डिलीवरी रहो या सिजेरियन रहो, आपको तुरंत 24 घंटे के बाद मानो 2nd डे से कंपलसरी एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ करना है। बहुत ही आपको अनकंफर्टेबल लगा तो आप रात को सोते वक्त और खाना खाते वक्त वो बेल्ट निकाल सकते, लेकिन मैक्सिमम आइडियली 24/7 आपको वो एब्डोमिनल बेल्ट लगा के रखना है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो एब्डोमिनल मसल्स है जो पूरे लूज हुए हैं वो पूरे कॉम्प्रेस हो जाएंगे, उनका टोन जो है वो बैक टू नॉर्मल आएगा और आपका टमी अंदर चला जाएगा। तो ये बेल्ट आपको कितने दिन तक यूज़ करना है? कम से कम 2 महीने के लिए ये एब्डोमिनल बेल्ट आपको यूज़ करना है, उसकी वजह से आपका टमी अंदर जाएगा। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या रहेगा कि जैसे ही आपका एक सर्टन पीरियड ख़त्म हो जाता है, आपके डॉक्टर के एडवाइस से आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शुरू करना है। मानो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो तुरंत 1.5 महीने के बाद आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करो। हल्का फुल्का इसमें क्या आता है कि आप आधा घंटा या 1 घंटा वॉक स्टार्ट करो। अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आप 3 महीना होने तक वेट करो, और 3 मंथ के बाद आप अगेन लाइट एक्सरसाइज या वॉक स्टार्ट करो, उसकी वजह से भी आपको वेट कम होने के लिए मदद हो जाएंगी। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डाइटिंग। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं अच्छे से तो आपको भूख काफ़ी लगती है, तो वो केस में आप डाइटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट यानी कि आप बहुत सारा जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी की चीज़ें, बहुत सारा घी अगर लेते हैं तो उसकी वजह से अननेसेसरी और वेट गेन होगा। तो ये सब चीज़ें आपको कम करनी है। आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है और आपको प्रोटीन बढ़ाना है, उसकी वजह से भी आपका वेट कम होने के लिए आपको हेल्प होने वाली है।
और दो इम्पॉर्टेंट टिप आपको फॉलो करने हैं कि आजकल बॉडी मसाज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो जो प्रोफेशनल बॉडी मसाज करने वाले लेडीज जो है वो आपके बॉडी का पूरा मसाज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, मसल्स को टोन आएगा और आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। तो अगर पॉसिबल है तो आप रेगुलर बॉडी मसाज कम से कम 1.5 महीने के लिए करते जाओ। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको रेगुलर कीगल्स एक्सरसाइज भी स्टार्ट करने हैं 1.5 महीने के बाद, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके वजाइना का जो टोन है, उसका जो स्ट्रेंथ है, वो बैक टू नॉर्मल आएगा और आपको अच्छा फील हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं कि डिलीवरी के बाद आपका नॉर्मल डिलीवरी रहो या सिजेरियन रहो, आपकी बॉडी अगर आपको बैक टू नॉर्मल चाहिए, आपको पुराने जो आपके एल साइज़ के या एक्सएल साइज़ के या एस साइज़ के कपड़े अगर डालने हैं, जीन्स डालनी है, तो ये सब टिप्स आप फॉलो करते रहो और हम लोग को ऐसे ही फॉलो करते रहो। थैंक यू।